हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। इस सेशन में हम लोग क्लास नाइन्थ के एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो अलजेब्रा का काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन माना जाता है और पॉलिनोमियल यहाँ अगर आप सही से पढ़ते हैं तो टेंथ में इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद फिर वेरिएबल के बारे में, फिर टर्म्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, देखिए कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट जो होता है एक सिंबल होता है। ये क्या होता है? एक सिंबल होता है। ये सिंबल न्यूमेरिकल सिंबल होता है, हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे -2, 1, 0.2, √3, 1/2। ये सभी जो होते हैं क्या है? न्यूमेरिकल फिगर हैं, ये न्यूमेरिकल सिंबल हैं और इनका वैल्यू कभी भी फिक्स होता है, ये कभी भी किसी भी जगह पे चेंज नहीं होता है। तो इन सभी पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल जस्ट इसका अपोजिट, सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, वेरिएबल जो बना है ये वर्ड वेरी प्लस एबल, इन दो वर्ड से मिलकर बना है। वेरी का मतलब आपको पता है चेंज होना, बदलते रहना। ठीक है, एबल का मतलब होता है लायक, चेंज होने लायक। यानी वेरिएबल होगा क्या? ये एक सिंबल होगा हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका वैल्यू जो होगा वो बार बार चेंज होगा, बदलते रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर x, y, z एक्सेट्रा। किसी क्वेश्चंस में आपको एक्स का वैल्यू 1 मिलेगा, कभी 1/2, कभी -1, कभी √3, है ना। तो ये वैल्यू, एक्स का वैल्यू बार बार हर एक क्वेश्चंस में, हर एक डाटा में ये चेंज होते हुए आपको दिखेगा। फिर हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है। और एक कॉम्बिनेशन किसका होता है? तो वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, इन सभी जितने टर्म्स को बताया जा रहा है मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन सभी का आपको PDF वीडियो के बाद मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए सम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए 2x + 9y + 3/2 - 3z, ये सभी जो मिला के हैं इनको आप बोल सकते हैं कि ये क्या हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका वेरिएबल हो जाएगा x, वेरिएबल, ये कांस्टेंट, यहाँ पे ये वेरिएबल। ठीक है, और सबको आपने कनेक्ट कर दिया है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम लोग जानते हैं टर्म्स के बारे में। किसके बारे में? टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स एक्चुअली में एक सेपरेशन होता है। टर्म्स होते क्या हैं? एक सेपरेशन होते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है 2x + 9y + 3/2 - 3z, इसमें सेपरेट अगर कर देते हैं, जैसे कोई पूछे कि प्लस से पहले वाला ये 2x, तो ये 2x कहलाएगा टर्म, ये 9y ये क्या कहलाएगा? टर्म। 3/2 ये क्या कहलाएगा? टर्म। -3/z ये क्या कहलाएगा? टर्म। यानी सब कंबाइनिंग फॉर्म में हो,
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साथ, तो आप लोग बोलिएगा इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ये सेपरेट हो जाते हैं, किसी साइन से पहले आते हैं या किसी साइन के बाद आते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, तो आप इसको टर्म्स बोलेंगे। यानी 2x एक टर्म है, अब ये कौन सा टर्म है, तो वेरिएबल टर्म है। 9y टर्म है, 3/2 टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। माइनस थ्री जेड है, ये भी क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप उसके पावर के अकॉर्डिंग टू पावर यानी डिग्री, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर आप अरेंज कर देते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें आप उसके पावर के अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन को आप अरेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, x^4 प्लस x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ देखिए 4, 3, 2, 1। फिर यहाँ पे इसी को 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस x^4। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं पावर, यहाँ पे वेरिएबल का 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो नीचे वाला असेंडिंग फॉर्म, ऊपर वाला डिसेंडिंग फॉर्म, नीचे वाला असेंडिंग फॉर्म, ऊपर वाला डिसेंडिंग फॉर्म। यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर इस फॉर्म में आप डाटा को अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ वेरिएबल, तो आप इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? चलिए अब हम लोग जानेंगे स्पेशली जो चैप्टर हम लोगों का था पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल को आसान से शब्दों में अगर समझा जाए, तो इसमें वेरिएबल का जो पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी निगेटिव। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन, पावर रूट में नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दे रहा हूँ, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर को रूट में होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। फिर थर्ड नंबर, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट, और पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बोलने का मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे अगर कोई बोल दे कि x^4/2 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4/2 आप x² लिख सकते हैं, बट ये पावर जो होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये अपने सिंपलेस्ट पार्ट में नहीं होना चाहिए। कोई बोले अगर यहाँ पे बताइए x+1/x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x+x^-1। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, पावर शुड नॉट बी निगेटिव, पावर निगेटिव होना नहीं चाहिए, यहाँ निगेटिव हो गया है, यानी ये जो एग्जांपल है ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, √x-3 ये भी हो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी रूट में है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट। फिर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी दूसरा एग्जांपल x+x^1/2, यहाँ भी आप इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में, थर्ड रूल क्या बोलता है कि पावर को आप फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते हैं। तो इन आसान क्लू से आप समझ सकते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। इस सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल तो ये आपका टॉपिक था। टॉपिक से पहले हमने कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन किया। कांस्टेंट होता क्या है, सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस भी सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है,
निश्चित होता है, सर्टेन होता है, जैसे -2, 1, 0.2, √3, 1/2। फिर वेरिएबल, जो कि वर्ड वेरी प्लस एबल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, यानी सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे x, y, z, a, b, c, α, β, γ, ये सभी जो होते हैं इनका वैल्यू हर एक डाटा में, हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकता है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वाकई में ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग पॉज करके या फिर मतलब धीरे धीरे सुन के इस डिफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कर ले, हालांकि इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कोई पूछे व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाई ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर आता है टर्म्स, टर्म्स होता क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जांपल देखिए, 2x + 9y + 3/2 - 3z, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोगों ने प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, तो ये पूरा एग्जांपल जो है, इस पूरे एग्जांपल को आप बोल सकते हैं ये है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म क्या होता है, इसी को पार्ट वाइज कर लीजिए, सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। यानी 2x क्या है, टर्म है, 9y क्या है, टर्म है, 3/2 क्या है, टर्म है, -3z क्या है, टर्म है, ठीक है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अगर आप सिंबल्स को हटा के और हर एक उसका जो हिस्सा होता है उसको अलग अलग, अगर आप उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू पावर, अगर आप उस पॉलिनोमियल को या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप पावर के अकॉर्डिंग, पावर के अनुसार एसेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल है x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे पावर को हम लोगों ने दिखा दिया है डिसेंडिंग फॉर्म में, जबकि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिखा दिया हम लोगों ने असेंडिंग फॉर्म में, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल का वैसे डेफिनेशन आप लेके चलिएगा, बुक वगैरह में देखिएगा, तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने के लिए, इसमें आसानी से समझिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का पावर यहाँ पे एक और बोल सकते हैं डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर चूंकि डेसिमल हो जाएगा तो उस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा, रूट नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया भी गया है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं, चूँकि ये मेरा स्टार्ट है अभी, मतलब मैं वीडियो बनाने के हैबिचुएटेड हूँ नहीं, तो सही गलत की मुझे उतनी जानकारी है नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बाकी अगले सेशन में आप लोग इसके बारे में और डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।